अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने में लगभग 10 दिन बाकी हैं। उससे पहले सोशल मीडिया पर राम मंदिर और अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को लेकर कई वीडियो और फोटो शेयर किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक वीडियो वायरल है जिसमें भालुओं का झुंड देखा जा सकता है। यूजर्स इसे शेयर करके दावा कर रहे हैं कि वीडियो अयोध्या का है। रामायण में भालुओं का विशेष स्थान है। लंका पर चढ़ाई करने के दौरान भगवान राम के सेनापति जामवंत नाम के एक भालू थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कोई चमत्कार अथवा प्रभु दर्शन के लिए भालुओं का झुंड पहुंचा अयोध्या। भालू अपने 4 शावकों के साथ आए अयोध्या। इसी तरह अन्य यूजर्स ने भी वायरल वीडियो को अयोध्या का बताकर शेयर किया है। क्या भालुओं के एक झुंड का वीडियो अयोध्या का है? इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने गूगल पर कुछ कीवर्ड सर्च किए। हमें दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर 3 जनवरी 2024 को पब्लिश की गई एक रिपोर्ट मिली। इसमें वायरल हो रहे भालुओं के झुंड का वीडियो देखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यह मध्य प्रदेश के शहडोल इलाके का वीडियो है, जहाँ के अमझोर वन परिक्षेत्र के वन सुकली गांव के आसपास भालुओं का कुनबा गांव में घुस आया था। स्थानीय लोगों ने किसी तरह भालुओं के झुंड को गांव से बाहर खदेड़ा। भालुओं के इस झुंड में एक मादा भालू के अलावा उसके 4 बच्चे भी थे। इसके अलावा पत्रिका की वेबसाइट पर 1 सप्ताह पहले छपी रिपोर्ट में भी इस घटना का जिक्र है, जहाँ शहडोल के गाँव में दिखे भालुओं के झुंड का वीडियो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए कुछ लोगों ने बनाकर वायरल कर दिया था। हमने मामले की पुष्टि के लिए इंडिया टुडे के मध्य प्रदेश ब्यूरो के हेड रवीश पाल से संपर्क किया। उन्होंने भी बताया कि वीडियो शहडोल का है, जब कुछ दिन पहले भालुओं का एक झुंड वहां के वन सुकली गांव में आ पहुंचा था। हमने शहडोल के वन विभाग से भी संपर्क करने का प्रयास किया, पर वीडियो शूट किए जाने तक उनका कोई जवाब नहीं आया था। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के शहडोल में दिखे भालुओं के झुंड का वायरल वीडियो अयोध्या का बताकर भ्रामक दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। आपके लिए तमाम जानकारी लिखी थी मेरे साथी शुभम ने। मैं हूँ मनीषा, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।